अब सफलता का मतलब बहुत छोटा है आपके नज़र में, क्या है? आज कोई इंसान सफल है इसकी परिभाषा क्या है? कहीं जॉब लग गया, उसके बाद बाजा बज गया, उसके बाद हो गया, कहीं कुछ ज़्यादा आया तो डार्लिंग को बैठा के मरीन ड्राइव पर घुमाएंगे, हो गया लाइफ एनफ। इससे ज़्यादा आजकल के दुनिया में कोई सोच भी नहीं रहा है, उसको सोचने आता भी नहीं है, और इसी में वो बेचारा पिस रहा है। कोल्हू चलते देखें, बैल 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 देखें, कुछ लोग नहीं देखा, और मुश्किल है। अब तो गांव में भी बैल नहीं है, अब तो ट्रैक्टर आ गया। तो कोल्हू का जो बैल होता है, कोल्हू जब चलाता है तो बेचारा उतने ही सर्किल में क्या करता है, कोल्हू का बैल, वो अपने दुनिया को कुछ समझ ही नहीं पाता है। और ये कोल्हू के जो बैल होते हैं, इनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। इंसान के जिंदगी में बहुत कुछ है, संभावनाएं हैं, असीम संभावना है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन चाहता ही नहीं है। वो चाहता क्या है, उसकी चाहत कितनी है? मुख्यमंत्री बनोगे? नहीं नहीं प्रधानमंत्री मास्टरी वाला में। बरगद का पेड़ देखें, कितना विशाल होता है, बहुत विशाल पेड़ होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। उस छोटे से बीज में इतना विशाल बरगद का पेड़, अब उस बीज कहता नहीं नहीं हम तो इतने को, लेकिन उस छोटे से बीज में वो विशाल चीज छुपा होता है। हम बड़े कम सोचते हैं, क्या चाहिए, बस इंजीनियर हो जाए, 1.5 लाख सैलरी हो जाए। क्यों साहब, 50 लाख सैलरी क्यों नहीं हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। उतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी मास्टर बनूं कोई भूखा न जाए। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ, ज्यादा नहीं सोचता है। हम सबको टटोले हैं, कई लोगों को टटोलते हैं, तब कहते हैं अरे यार ज्यादा क्यों नहीं सोचता है, ज्यादा सोचना पाप है क्या? आप गुजरात में चलो, महाराष्ट्र में चलो, वहां कोई कम सोचता ही नहीं है। आप गुजरात में गुजरातियों से मिलो और पूछो नौकरी करोगे, अरे यार पागल है क्या, जितना नौकरी करेंगे उतना तो मैं नौकर रखता हूं। और कलाम साहब कहते हैं बड़ी सोच का बड़ा जा, हम बड़ा नहीं सोचते, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ताकत है बिहारियों में, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बिहारियों में इतनी ताकत है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बिहारियों की ताकत को कमजोर ना समझा जाए, लेकिन समस्या यही है, बड़े छोटे दायरे में सोचते हैं। अध्यात्म इसी का नाम है, आपका दायरा क्या करता है, सोचने का बड़ा बना देता है। और जब आप बड़े दायरे के बारे में सोचेंगे तो कई मित्र आपको ऐसे मिलेंगे, पागल है सेक्स चिल्ली का सपना मत देख। ये सिस्टम जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। और कई लोग दबाने में मदद भी करते हैं, कई लोग दबाने में मदद भी करते हैं मित्र दोस्त। साहब छोटे सोचिए, मैंने जितने लोग सफल लोगों को पढ़ा है, मेरा एक नेचर है, मैं तमाम सफल लोगों को नजदीक से समझना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि ये व्यक्ति सफल कैसे हुआ, इसके पीछे इसने कितना संघर्ष किया, तो पता चलता है ये बड़े हमेशा एक बड़ी सोच का विचार रखा अपने लाइफ में। न्यूटन का नाम आपने सुना? न्यूटन नहीं सुन, स्मार्ट बनो, ये दुनिया स्मार्ट लोगों के लिए है। स्मार्ट का मतलब आप सीधा क्या लगा लेते हो, बाल का कटिंग, जींस का स्टाइल, टी शर्ट, जूता, ये बाह्य आवरण है।
अगर आप स्मार्ट नहीं बनोगे तो समझ लो इस दुनिया का सही में आप स्वाद नहीं ले पाओगे, ना आप सफल हो पाओगे। और स्मार्ट किससे? माइंड से। यही तो गायत्री मंत्र है, और क्या है गायत्री मंत्र? क्या करता है? यही करता है, आदमी को स्मार्ट बना देता है। किससे? माइंड से। मेडिटेशन स्मार्ट बनाता है, स्मार्ट युवा, वो बारीक से बारीक चीजों को समझने लगता है, उसके अंदर गहराई आ जाता है, डेप्थनेस। संसार में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनको पढ़ के देखना आप, चाहे कोई आईएएस बना हो, आईपीएस बना हो, या बड़े बड़े सेक्टर में सफल हुआ है बिजनेस में, आइकॉन, बिजनेस आइकॉन। आप सही में इतने स्मार्ट बनो कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, देखो साहब मैंने कहा बरगद का बीज बड़ा छोटा होता है लेकिन उसमें संभावना एक बड़े वट वृक्ष के रूप में, हर इंसान के भीतर वो छोटा सा बीज है। हम लोग ने अपनी लाइफ में भी जिया, कभी अगर सोचते, हम ही लोग सोचते ना हम पूजा पाठ करेंगे, अगर हम ये सोचते कि हम पूजा पाठ करेंगे तो जैसा कि बताया गया बात सही है, आज पूरे देश में, देश की बात हटा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लेके कई जगह से फोन आता है। अभी पिछले दिनों एक लेडीज ऑस्ट्रेलिया से फोन की, मैं बैठा हुआ था ऑफिस के भाइयों ने हमें फोन दिया, भैया ऑस्ट्रेलिया से फोन आया है। वो महिला बोली कि मनीष जी आपका यूट्यूब पर मैं वीडियो यहाँ सुनती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में सुनती हूँ, और मैं हिंदी भाषी लोगों को सुनाती हूँ आपका वीडियो। छोटे सोच के लोग छोटी जिंदगी जीते, और यही हमारी कमजोरी है, हम चाहते हैं कि हम बड़े सोचें, कुछ नहीं भी है तो अपने को बड़ा सोचे। क्या बात है, रेंट के चलें? अरे भाई ये समझ लीजिए, ये अध्यात्म इसी का नाम है। अध्यात्म बड़ी ऊंची चीज है, वो पूजा पाठ नहीं है। हम लोगों ने अध्यात्म को क्या बना दिया? पूजा पाठ। अगरबत्ती सुंघाते हैं भगवान को, सुंघिए ना, गुलाब छाप है, बढ़िया है, सेंटेड है, और तो और नाक के सामने ले जाते हैं, लीजिए ना सुगंध लग लो। अच्छा बताइए सर, टोटल चीज को बर्बाद कर दिया हमने, टोटल सिस्टम को डैमेज कर दिया, तो बकलोल सब आ गया है? हम ये चाहते हैं गायत्री ऐसा हो। अरे दर्शन फिलॉसफी, गायत्री का फिलॉसफी ही है स्मार्टनेस, समझदार। आज की दुनिया में अगर हम आठवां पास है, सातवां पास है, लेकिन अगर हमारे गायत्री, इस देश में हुआ है ऐसा, टांगा चलाने वाला व्यक्ति, टांगा टमटम, देश का बिजनेस आइकॉन बन गया, बिजनेस आइकॉन। कल्पना करिए टांगा चलाने वाला, टांगा पर भाड़ा कमाने वाला, क्या एमडीएच कंपनी का मालिक, एमडीएच कंपनी का कई कितना करोड़ का संपत्ति है, 40,000 करोड़। जिस दिन बिहार का युवा कह दिया कि हम आपका नौकरी नहीं लेंगे, बाहर से मंगाइए, तब आपका 50,000 सैलरी कर देगा। अच्छा 50 देंगे, आओ आओ हैं? सबसे ज्यादा खर्च इसी में होना चाहिए, शिक्षा में। हम चाहते हैं कि हमारा युवा 22 लाख वाला बने। लड़का आवे तो कहे कितना भैया? 22 लाख। आओ भाई कुर्सी पर बैठो। आँख में तनको चिंगारी रहेगा तब ना हवा देंगे तो भरकेगा, भैया यहाँ राखे राखो, तू ऐसे ऐसे करहू तो राख उड़ा है। हम ये चाहते, हम ये चाहते, इधर 20-22 कोई अगर आके हमको कहता है 22,000 हमार सैलरी है, तो हम कहते हैं 22, तो हम हंसते हैं। अच्छा सही सही बताइए, 22,000 या 25,000 कैसे गुजारा होगा? ये साहब ये एम्बिशन हमारा क्यों नहीं हो सकता है? ये है गायत्री का फिलॉसफी। हम अगर गायत्री जपवाते हैं, किसी को कहते हैं युवाओं को कि भैया गायत्री जप, तो हम चाहते हैं हमारा युवा गायत्री ऐसा जप जपे कि साहब गायत्री जपे तो उसके, गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है कि जीवन में सारा चीज देता है, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान, न चाहो तो भी देता है, भरपूर मात्रा में देता है, कमजोर नहीं। गायत्री जपने वाला अगर कमजोर होता है भैया, वो गायत्री जपते हैं ना, पहले सुतते थे तो रात में उचट के नींद टूट जाता था, जीवन का क्या होगा, अब गायत्री जपते हैं आराम से सुतते हैं, कोई चिंते नहीं, जा जे होते ही देखल जाते। भैया देखो मैं ऐसी गायत्री नहीं जपवाना चाहता, मैं तो ऐसे गायत्री जपवाना चाहता जिसमें तुझे नींद लगे ही नहीं, अपने लक्ष्य को सामने लेके आगे बढ़ो, वो गायत्री, वो युवा को गायत्री चाहिए। ये कौन सा गायत्री है कि नहीं भैया हमको नींद लगता है, ये तो सब ऐसी गायत्री नहीं चाहिए। गायत्री मतलब जवानी को जगाने वाली, ओरिजिनल जवान,
ओरिजिनल जवान जो जवानी जगा दे, क्या धूप, क्या बरसात, क्या आंधी, क्या तूफान। पहले गांव में आंधी आता था तो आम के बगीचा में हम लोग दौड़ते थे जो आम गिरेगा। अब तो आप लोग अरे घर में बंद हो जो आम के बगीचा में, ठरमा गिर जाता तब देहवा पर। हम लोगों को कोई चिंता नहीं होता था कि ठार गिरेगा कि क्या गिरेगा, दौड़ते थे। और आम जब गिरता था और उस चुनते, भले टूट फूटिए जाता था लेकिन वो आम देख के बड़ा अच्छा लगता था कि आम चुने। ये साहब जिंदगी था, ये लाइफ था, ये इंसान के लाइफ में ये चीजें थी। कहाँ रह गया नया जनरेशन, क्या चीज खेलता है, मोबाइल मोबाइल, कोई पता नहीं है न्यू जनरेशन को। आप लोग का भी बाल बच्चा होगा तो दूधो पियाइएगा ना। आजकल के बच्चा का नियम है दूध नहीं पी रहा है, बच्चा हाथ में मोबाइल थमा दिया, बचवा मोबाइल देख रहा पी रहा। अब तो ये जनरेशन आ गया। तरीके उस फिलॉसफी को समझना, उन चीजों को, जहां भी खड़ा होना लोग देखे तो कहे कि कोई शेर है, कोई शेर है। भेड़ नहीं, भेड़ तो झुंड में चलता है, और शेर अकेला भी चलता है तो दुनिया देख के कहती है देखो शेर जा रहा है। हम ये चाहते हैं, गायत्री मतलब पावर, गायत्री मतलब शक्ति, गायत्री मतलब ऊर्जा, गायत्री मतलब स्मार्टनेस। तो चाहिए सूरवीर वाला अध्यात्म, पावर वाला अध्यात्म, माए रंग दे बसंती चोला वाला अध्यात्म। निर्णय ले लिया तो ले लिया, जो होगा देखा जाएगा। आज डर डर के जी रहा है नौजवान, उसके लाइफ में डर है किस चीज का, कैरियर का, भविष्य का। जो डर गया वो मर गया। ये डर भगाओ, ये डर जो है इंसान के जीवन का सबसे बड़ा समस्या है। मैं आपके सामने ये बात इसलिए बोलने में सक्षम हूं कि मैं जब गायत्री जपा तो सबसे पहला काम मेरे लाइफ में क्या हुआ जानते हैं, मैं डरना ही छोड़ दिया। आप कल्पना करो आज से 29 साल पहले रोड पर जब उतरने का निर्णय लिया गया था कि रोड पर उतरेंगे, झाल बजाएंगे, लोगों को गायत्री का फिलॉसफी समझाएंगे, बोलने नहीं आता था, बात करने नहीं आता था, लेकिन गायत्री ने डर को भगा दिया था। और आज लाखों लाख के संख्या में युवा इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़ते चले गए पूरे देश में। YouTube का चैनल देखो साहब, हाईलाइट होते हुए आज कौन बटन कहता है वो सब बटन दे दिया, बचल का जो बटन है वो भेजेगा। ये दिन प्रतिदिन अगर मैं भी यही सोचता, उतने ही देर में सोचता तो हमारी भी वही हालत होती। इसलिए भैया हमने तो जिंदगी को जिया है, हमने कभी चिंता नहीं किया लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, लोगों का क्या सोचना है। हम हमेशा ये सोचते थे कि मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गायत्री यही काम कराता है, दुनिया की चिंता कराना छुड़ा देता है और अपने आप को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। आज क्या है, मैक्सिमम लोग वो क्या बोला, वो क्या सोचता है, मामी मेरे बारे में कुछ कहियो रही थी। दुनिया है, बोलने दीजिए। आपने सुना है हाथी चले और भूखता है, भौंकने दीजिए, भौंक, उसका काम है, ड्यूटी है भौंकना। उसके चिन्ह उन चीजों में अगर व्यक्ति आगे बढ़े वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसी चीज कुत्ता, बार बार कुत्ता के पीछे जाइएगा तो आपका मंजिल कमजोर पड़ जाएगा। आप एक, ये है गायत्री की फिलॉसफी, ये है लक्ष्य के प्रति ईमानदार। जो काम आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो कैरियर के लिए आप लगे हुए हो, तो उसमें आपका डिवोशन कितना है, उसमें आपकी संकल्प शक्ति कितनी लगी हुई है। और आप ये मत सोचो कि भीड़ लाखों का है, आप ये सोचो कि सिर्फ उसमें मैं हूं, मुझे लाखों नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। आज तो आप लोग 50 बार कितना लोग फॉर्म भरा है रे, 10 लाख, बाप रे बाप, होगा कि नहीं होगा। पहले ही आप फेल हो जाते हो, पहले ही फेल हो जाते हो। अर्जुन जब मछली की आंख को देखा तो उसके सामने और कई बड़े बड़े योद्धा थे, वो सोचते इतने बड़ा बड़ा योद्धा, अर्जुन ने किसी को नहीं देखा, वो किसको देखा, मछली की आंख को देखा। भटकिए मत, जिंदगी भगवान भटकने के लिए नहीं दिया है, आप ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। कमजोर से कमजोर लोगों ने भी इस दुनिया में अपना स्थान बनाया है और शानदार बनाया है। रामदेव जी को देख लीजिए, अभी बिजनेस आइकॉन है, कितना संपत्ति है रामदेव जी को, कैमा पास हैं, बिहार में 7वां 8वां मान के चलिए, कैमा पास, लाखों करोड़ के मालिक किसके बल पर। और रामदेव जी बचपन से कौन से मंत्र जपते थे, गायत्री मंत्र। और ये जो टांगा वाला का हम उदाहरण दिए वो कौन मंत्र जपता था,
आर्य समाज से जुड़े हुए थे वो, कौन मंत्र? गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र जो है परमाणु बम है, अगर ईमानदारी से भावपूर्वक जगा जाए। मैंने देखा है इसका प्रयोग कि आदमी के जीवन में भीतर से विस्फोट कराता है, विस्फोट कराता है, बिना कुछ किए आपको रहने नहीं देगा। गायत्री सबसे, अगर गायत्री को मन से कर दे, इसलिए तो प्राचीन काल में हजारों साल पहले ऋग्वेद, हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, भारत का सबसे, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है? वेद को माना जाता है। वेद से पहले कुछ नहीं था, वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, उस वेद में भी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में कौन सा मंत्र आता है? गायत्री मंत्र आता है। ऋषियों ने शोध किया था, रिसर्च किया था कि गायत्री जपने के बाद इंसान के अंदर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये पावर की बात कहते हैं, बिहारी युवाओं को ये पावर चाहिए, ये शक्ति चाहिए, ये ताकत चाहिए, उसका भटकाव नहीं, उसको दिशा चाहिए। अगर बिहारी युवाओं को सही मायने में दिशा दे दिया जाए ना, तो धन संपत्ति रुपया पैसा मान सम्मान ये सब इसके पीछे पीछे चलेगा, और कुछ नहीं चाहिए बिहारियों को। ऐसा व्यक्ति मिले जो इसको दिशा दे। ये युवा प्रकोष्ठ यही काम करता है कि आपको क्या काम करता है? दिशा देता है। गायत्री मंत्र जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम में क्या होता है, कौन चीज कहां है, पता चलता है। गायत्री मंत्र यही काम करता है, ध्यान यही काम करता है। भारत के अध्यात्म की ताकत यही है, और इसलिए अब्दुल कलाम से लेके, अब बताइए, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े वैज्ञानिक गीता का पाठ करते थे। गीता का पाठ करते थे कौन? अब्दुल कलाम। और उसी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन छंदों में मैं क्या हूं? गायत्री हूं। उसी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं गायत्री। आप समझ लो, आप अपने फिलॉसफी को समझ लो, अपनी ताकत को समझ लो। आप जब भी हारते हो किससे? खुद से। व्यक्ति खुद से हारता है, और इंसान जब खुद से हार जाए तो उसका बीमारी भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए गायत्री यही काम करता है कि आपको खुद से जिताने का ताकत देता है। और ये हम भाषण में नहीं बता रहे हैं, हम अनुभव में बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हजारों लोगों को हमने देखा है। हमें ऐसा युवा चाहिए, ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसा पावर चाहिए जिसको देख के मन खुश हो जाए। ये ऊर्जा है आपके पास। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में उपासना को स्थान दीजिए। उपासना कोई कर्मकांड नहीं है। उपासना मतलब मिलना, उपासना मतलब किससे? उस परमात्मा के माध्यम से, अपने आप से मिलना। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान इसलिए कराया जाता है कि अपने आप से मिलना, अपनी शक्ति को जगाना। आपके भीतर असीम ताकत। इस देश में ध्यान के बल पर दुनिया में खेला हुआ है। अरे भैया, पढ़ तो अपने देश को, हटा दे बाहर के देश। इसी देश का एक इंसान, एक व्यक्ति, उसके रॉन्ग पोजीशन पर मैं नहीं जाता लेकिन राइट की बात मैं करता, एक व्यक्ति पूरे यूरोप को हिला दिया था, पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था। कौन? रजनीश ओशो। पूरा अमेरिका हिल गया था, अमेरिका का राष्ट्रपति तक हिल गया था, और उसे वहां से कैसे कैसे षड्यंत्र करके निकाला गया। वो ध्यान के शक्ति के बल पर अमेरिका में जाके रजनीशपुरम एक नया देश बसा लिया था। देखा कि पूरा यूरोप इसमें समा जाएगा ध्यान की शक्ति के बल पर। ये पावर है, ये ऊर्जा है। आप कहते हो हमारा पैतृक संपत्ति नहीं है, चाचा हमरो हिस्सा वाला बेच दिए, बचल को कह रहे हैं कि हमरे है, हर जगह लड़ाई है। अरे हम ये कहते हैं आपको भगवान ने कुछ नहीं दिया है, दो हाथ दिया है, पैर दिया है, और ये दिया है। अगर इसका सही से यूज कर लिया जाए तो संसार की सारी संपत्ति आपके चरणों में होगा, इसका यूज कर लिया जाए तो। अमेरिका का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, फोर्ड, नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड, बहुत संपत्ति। एक बार हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा कि अगर आपका सारा संपत्ति अमेरिका की सरकार जब्त कर ले तो आप क्या कीजिएगा, रोड पर आ जाइएगा? हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया कि अमेरिका की सरकार मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ले और सिर्फ मेरे साथियों को जो मेरे साथ काम कर रहे हैं छोड़ दे तो मैं उतनी संपत्ति फिर बना लूंगा। इसको जज्बा कहते हैं। दुनिया में किसी चाचा की हिम्मत नहीं है कि हमारा जो भाग्य है, हमारा जो कर्म है, उसको बदल सकता है। स्वयं हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। ये पावर तो चाहिए ना भाई, ये शक्ति तो हमें चाहिए ना, ये ऊर्जा चाहिए ना।
ये गायत्री है, ये ध्यान है, ये अच्छा विचार है। कमजोरों के लिए इस धरती पर कुछ नहीं है। इस धरती पर एक नारा है संस्कृत में, वीर भोग्या, वीर लोग ही इस धरती का भोग भोग सकता है, चाहे क्रिमिनल ही क्यों ना हो। मरे गए तो मारे गए, जीवित हैं तो वीर बनो अच्छाई के क्षेत्र में। वीर तब धरती का